सबको बताइए, किसी को ट्रांसफार्मर में डाउट है तो पूछिए। कोई डाउट ट्रांसफार्मर में पूरा नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा और बचा है। ट्रांसफार्मर में हमने आपको बताया था कि ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू को हाई से लो या लो से हाई करने के काम आता है। जो लो से हाई कर देता है वोल्टेज को उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, और जो हाई से लो कर देता है उसे स्टेप डाउन। लो से हाई स्टेप अप, हाई से लो स्टेप डाउन। और ये फर्क हम कैसे करते हैं, किसी भी ट्रांसफार्मर को स्टेप अप या स्टेप डाउन कैसे बनाते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉयल और सेकेंडरी कॉयल से बनाते हैं। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल मैंने कल बताया था कि आपको कभी भी एग्जाम में आ जाए तो म्यूचुअल इंडक्शन ही करना है, ठीक है? तो कल हमारी क्लास में मैंने आपको बताया था वीपी अपॉन वीएस इक्वल्स टू एनपी अपॉन एनएस। कल की जो हमारी क्लास है वो इस टॉपिक पे खत्म हुई थी कि प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज का जो रेशियो होता है दैट इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। ओके, नाउ यहां पे आप देख सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांसफॉर्मर रेशियो। बुक्स में इस कोई क्या लिखा गया है, ट्रांसफॉर्मर रेशियो। कई बार ट्रांसफॉर्मर रेशियो एग्जाम में आ जाता है तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि क्या लिखे, कुछ भी नहीं है। ये जो ट्रांसफार्मर की जो इक्वेशन आई है एन एस अपॉन एन पी या वी पी अपॉन वी एस इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस, इसको ही हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो। ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? गॉट इट आई थिंक। तो अब हम यहां से अपन देख सकते हैं पावर रिलेशन। सपोज इनपुट पावर हम लिख सकते हैं, सपोज हमारी इनपुट करंट कितनी है, आईपी। इनपुट करंट क्या है, आईपी। तो इनपुट पावर वी कैन राइट, इनपुट पावर वी कैन राइट आईपी इंटू वीपी इक्वल्स टू, सॉरी, इनपुट पावर आईपी इंटू वीपी, पावर इंटू करंट। पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट होता है, पता ही होगा। सिमिलरली सेकेंडरी कॉइल पे हम यदि बोले आउटपुट करंट, इफ आई एस, देन आउटपुट पावर वी कैन से, आउटपुट पावर वी कैन से आई एस इंटू वी एस। अब यहां पे दो कंडीशन हो सकती है, यदि अपन आइडियली अज्यूम करें, हालांकि आइडियली होता है ये वास्तव में होता नहीं है, आइडियली अपन अज्यूम करें कि देर इज नो लॉस ऑफ पावर। यदि ट्रांसफार्मर में एक बार अपन आइडियल कंडीशन लेके चले बच्चों कि पावर का कोई लॉस नहीं हो रहा है, इफ आई से लाइक दिस देर इज नो लॉस ऑफ पावर इन ट्रांसफार्मर, तो वी कैन राइट इनपुट पावर इक्वल्स टू आईपी वीपी इक्वल्स टू आउटपुट पावर आई एस इंटू वी एस। ओके, तो यहां से हमें मिल जाएगा वीपी अपॉन वी एस इक्वल्स टू आई एस अपॉन आई पी, वीपी अपॉन वी एस इक्वल्स टू आई एस अपॉन आई पी। दिस इज इक्वेशन नंबर बी, पहले वाली ए ये वाली है जो ट्रांसफार्मर रेशियो अपन ने बोला है, दैट इज इक्वेशन नंबर ए। एंड दिस इज इक्वेशन, मतलब ये प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज को करंट से रिलेट करने वाली इक्वेशन है, अज्यूमिंग दैट देर इज नो लॉस ऑफ ट्रांसफॉर्म, देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी और देर इज नो लॉस ऑफ पावर इन ट्रांसफॉर्मर, देर इज नो लॉस ऑफ पावर इन ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो मैं ये कहना चाह रहा था बच्चों कि अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि कोई भी ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप कब बनेगा और स्टेप डाउन कब बनेगा। स्टेप अप का हमारा कंसेप्ट क्या है कि इनपुट पर लो वोल्टेज लगाने पर आउटपुट पे हाई वोल्टेज मिलनी चाहिए। यदि ऐसा सिस्टम है ट्रांसफार्मर में तो उसको अपन बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सो वी कैन राइट हियर केस वन लाइक दैट, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या चाहिए, सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा चाहिए प्राइमरी वोल्टेज से। तो यदि हमें वीएस ज्यादा चाहिए तो एनएस भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। तो देखिए, यदि सेकेंडरी कॉयल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा कर दें तो वो कौन सा बन जाएगा, ट्रांसफार्मर। मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए किसी भी ट्रांसफार्मर को स्टेप अप और स्टेप डाउन बनाने के लिए केवल उसकी जो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल अपन ने वाउंड करी है दोनों एंड्स पे, लेमिनेटेड कार्बन, लेमिनेटेड आयरन कोर पे, तो लेमिनेटेड आयरन कोर पे जो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को राउंड किया है, वाउंड किया है, केवल उनके नंबर ऑफ टर्न्स को डिफरेंट डिफरेंट करना होगा। तो कल एक बच्चे का क्वेश्चन था कल की क्लास में कि नंबर ऑफ टर्न्स को सेम कर दें तो क्या होगा, तो नाउ यू कैन गेट योर आंसर, नाउ योर ओन। अब आप खुद ही अपने क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, कल एक क्वेश्चन आया था उसका आंसर मैं दे रहा हूं।
यदि नंबर ऑफ टर्न सेम कर दोगे तो वीपी इक्वल्स टू वीएस आ जाएगा, एनपी इक्वल्स टू एनएस, तो वीपी अपॉन वीएस इक्वल्स टू वन, विच इंप्लाइज दैट वीपी इक्वल्स टू वीएस, नो चेंज इन वोल्टेज, जो प्राइमरी वोल्टेज होगा वही सेकेंडरी वोल्टेज होगा। लेकिन हमारा ट्रांसफार्मर तो ये काम नहीं करता, ट्रांसफार्मर तो क्या करता है, वोल्टेज को हाई से लो करता है या लो से हाई करता है। इसका मतलब ट्रांसफार्मर के वोल्टेज, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को लो से हाई या हाई से लो करने के लिए उसके प्राइमरी कॉयल और सेकेंडरी कॉयल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो डिफरेंट डिफरेंट ही होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ टर्न्स विल नॉट वर्क। ठीक है, तो यदि हम नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉयल ज्यादा कर दें प्राइमरी कॉयल से, तो वो एक कौन सा ट्रांसफार्मर बन जाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन जाता है। इस बात को आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए सभी बच्चे, लाइक दिस। ये देखिए, ये प्राइमरी कॉयल है इनपुट एसी सोर्स से, और दिस इज द सेकेंडरी, ये देखिए ये एनएस और ये एनपी, एनएस इज ग्रेटर देन एनपी इन सेकेंडरी कॉयल, सो वी कैन से दिस विल बी एन आउटपुट वोल्टेज एम्पलीफाइड, यानी कि यहाँ पे आपको ज्यादा वोल्टेज मिलेगी आउटपुट पे। लेकिन अब आप करंट रिलेशन देखिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज से ज्यादा हो गया तो करंट कम हो गई, नहीं हो गई, यानी कि करंट आपकी क्या हो जाएगी, प्राइमरी करंट से कम हो जाएगी। यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ये भी ध्यान रखना है कि केवल वोल्टेज आपकी आउटपुट पे में ज्यादा मिलती है, लेकिन करंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, करंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए पावर क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। ठीक है, एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है एग्जाम में ट्रांसफार्मर में से, सैंपल पेपर में आपको मिल भी जाएगा कहीं पे भी, एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन ट्रांसफार्मर का है कि ट्रांसफार्मर जो है वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, तो इज देयर एनी वायलेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, क्या इस प्रोसेस में एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन हो रहा है क्या। तो आपको क्या सोचने में आ रहा है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर वोल्टेज को हाई से लो कर रहा है या लो से हाई कर रहा है, तो इस कंडीशन में एनर्जी कंजर्वेशन का बिल्कुल भी वायलेशन नहीं हो रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ इज नॉट बीइंग वायलेटेड, बिकॉज आउटपुट पे यदि वोल्टेज ज्यादा हो गई तो उसी रेशियो में आपकी करंट क्या हो गई, कम हो गई, तो पावर इज द कॉन्स्टेंट, पावर क्या है, इनपुट और आउटपुट पे कॉन्स्टेंट है। तो इसीलिए ट्रांसफार्मर में वोल्टेज आपकी हाई टू लो, लो टू हाई होती है, लेकिन करंट आपके आउटपुट पे उसी रेशियो में कम भी हो जाती है। और देखो ये बात आप ध्यान से समझिए इस बात को अपने मन में कि दिस थिंग इज वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि अब देखो क्या होता है कि जनरली स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहाँ लगता है, जो हमारे रिएक्टर्स होते हैं, एनर्जी रिएक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, पावर रिएक्टर्स होते हैं, ठीक है, पावर प्लांट होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, एटॉमिक पावर प्लांट हो या थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे कोल पावर प्लांट हो या विंड पावर प्लांट हो, कोई सा भी टाइप का पावर प्लांट होता है, तो वहां पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट होती है। अब उसको हमें क्या करना है, टाउन तक पहुंचाना है, लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रेवल करवाना है, ट्रांसमिशन करना है, तो वहां पे अपन क्या लगा देते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उस प्लांट से आने वाली जो इलेक्ट्रिक पावर उसको स्टेप अप कर देगा, यानी उसको इंक्रीज कर देगा। लेकिन एट द सेम टाइम हमको ये भी चाहिए कि वहां पे पावर लॉस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, हीट लॉस कम होना चाहिए। तो आपने देखा आउटपुट पे आपकी केवल वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी, लेकिन करंट आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो करंट कम होने से वहां पे आपका हीट लॉस क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये बात हमने चैप्टर नंबर 3 में भी डिस्कस की थी कि वहां पे हमने बताया था कि जो पावर ट्रांसमिशन लाइन्स होती है दे आर कैप्ट एट द हाई वोल्टेज, ठीक है, दे आर कैप्ट एट द हाई वोल्ट, दे आर कैप्ट एट द हाई वोल्टेज, वाई, तो उनको हाई वोल्टेज पे रखने के लिए वी कैन कीप द वोल्टेजेस, सॉरी वी कैन कीप द हाई वोल्टेज पे रखने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली उनको स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। और हाई वोल्टेज रखने का एडवांटेज क्या है कि हमें पावर लॉस या हीट लॉस कम होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ वीपी अपॉन वीएस इक्वल्स टू आईएस अपॉन आईपी, ठीक है, ये इस रिलेशन से सेकेंडरी कॉइल ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर विल हैव द लेस करंट एंड वीएस इज ग्रेटर देन वीपी, यानी सेकेंडरी वोल्टेज पे जो वोल्टेज है वो ज्यादा मिलेगी। अब हमें किसी भी ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन बनाना है,
तो वी हैव टू वी आर टू मेक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाने के लिए क्या करेंगे, बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉयल शुड बी लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉयल। अब आप प्राइमरी कॉयल में नंबर ऑफ टर्न्स को ज्यादा कर दें तो आप क्या देखेंगे, प्राइमरी कॉयल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा कर देंगे लाइक दिस, और सेकेंडरी कॉयल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या रहेंगे, कम। ये देखो, ये मैंने तो एनपी ज्यादा कर दिया तो हमारा वीएस भी क्या हो गया, कम हो गया वीपी, यानी यहाँ पे हमें कम वोल्टेज मिल जाएगी, यानी यहाँ पे हम प्राइमरी वोल्टेज ज्यादा लगाएंगे तो हमें आउटपुट पे सेकेंडरी वोल्टेज कम मिल जाएगी, हालांकि करंट क्या हो जाएगी अब की बार ज्यादा हो जाएगी, सेकेंडरी में वोल्टेज कम करंट ज्यादा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने वाली बात है बच्चों, कि ट्रांसफार्मर में किसी भी ट्रांसफार्मर को स्टेप अप या स्टेप डाउन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, उसके प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को डिफरेंट डिफरेंट करना होता है। तो किसी भी ट्रांसफार्मर का ये एक जनरल कंसेप्ट है जो हमने आपको बताया है, ठीक है। इस तरह से आपका ट्रांसफार्मर काम करता है, और ट्रांसफार्मर का जो मेन फंक्शन है वो है एनर्जी ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि ट्रांसफार्मर नहीं होता तो पावर को जनरेट तो कर लेते आप पावर प्लांट में, पावर प्लांट में पावर को जनरेट तो कर लेते, लेकिन उसको लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रेवलिंग ट्रांसमिशन कैसे करते, और बिना ट्रांसमिशन के उस पावर का क्या यूज है फिर, उसको प्लांट में थोड़ी रखना है, हमें तो लॉन्ग डिस्टेंस तक लोगों तक उसको सप्लाई करना है, घरों तक सप्लाई करवाना है टाउन में, तो उसमें हमारा ट्रांसफार्मर जो है बहुत ही विटल और बहुत ही व्हाट वी कैन से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब इसमें एक बात और आपको ध्यान रखनी है, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, तो एफिशिएंसी का मतलब होता है वही परसेंटेज एफिशिएंसी निकालना चाहे तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। तो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, और वी कैन से आईएस वीएस अपॉन आईपीवीपी इनटू 100। यदि मान लो मैंने बताया थी इनपुट पावर और आउटपुट पावर इक्वल ले ले, अभी मैंने लिया था आईडी ही, तो पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% हो जाएगी। 100% एफिशिएंसी अपन आईडी लेके चलते रहेगी, प्रैक्टिकली होती नहीं है, तो दैट यू ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड। ट्रांसफार्मर की परसेंटेज एफिशिएंसी का हमेशा ये जरूरी नहीं है कि उसका आउटपुट पावर और इनपुट पावर सेम ही मिले, तो उसका आउटपुट पावर और इनपुट पावर सेम ना मिले तो ऐसी कंडीशन में ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है, जो परसेंटेज एफिशिएंसी है, दैट परसेंटेज एफिशिएंसी विल बी लेस देन 100%। और वो कितनी होगी, उसके लिए आपको करस्पॉन्डिंग पैरामीटर चाहिए होते हैं, आपको आईएस वीएस आईपी वीपी इन पैरामीटर्स की वैल्यूज आपको चाहिए होती है, और देन यू कैन फाइंड आउट द रिक्वायर्ड एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इन दिस कंडीशन। ओके, एक टॉपिक और बचता है यहाँ पे, एनर्जी लॉस फैक्टर्स इन ट्रांसफार्मर। एनर्जी लॉस फैक्टर्स इन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस का फैक्टर, ठीक है। तो एनर्जी लॉस किन किन फैक्टर से हो सकते हैं, तो ट्रांसफार्मर में जो एनर्जी लॉस है वो मेनली चार फैक्टर से हो सकते हैं। पहला होता है कॉपर लॉस, एक होता है हिस्ट्रेसिस लॉस, एक होता है एडी करंट लॉस, और एक होता है फ्लक्स लॉस, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये मेनली फोर टाइप्स के ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस, मतलब वो फैक्टर्स जो किसी भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को 100% बनाने नहीं देते हैं, या आप यूँ कहें कि 100% बनाने में जो एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन है, प्रॉब्लमेटिक है, दीज प्रॉब्लमेटिक फैक्टर्स आर कॉपर लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस। इनको मिनिमाइज करना चाहिए, इनको मिनिमाइज करेंगे तभी हमारा ट्रांसफार्मर अच्छा बनेगा, अच्छा काम करेगा, अच्छी एफिशिएंसी रखेगा। तो हमेशा ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन करते टाइम पर, जब भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन करते टाइम पे माइंड में ये बातें ध्यान में रखी जाती है कि किस तरह से ट्रांसफार्मर के ये जो एनर्जी लॉस के फैक्टर्स हैं इनको मिनिमाइज या जीरो तक लगाया जाए, ताकि हमारा ट्रांसफार्मर ज्यादा एफिशिएंसी का बने।
कॉपर लॉस, यानी जो कॉपर की वाइंडिंग्स होती है, कॉपर भाई कॉपर की कॉइल होती है, तो उनकी जो वाइंडिंग्स होती है उनके रेजिस्टेंस के कारण जो एनर्जी लॉस होता है, भाई रेजिस्टेंस तो हमेशा रहेगा सर्किट में, तो कॉपर वाइंडिंग्स के कुछ रेजिस्टेंस के कारण जो हीट लॉस डेवलप होता है दैट इज कॉपर लॉस। ये ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को 100% नहीं होने देता। तो कॉपर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए क्या करना चाहिए, जो आपकी वाइंडिंग्स है वो क्या होनी चाहिए, थिक वायर की होनी चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा है कि थिक वायर होने से एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा होने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो थिक कॉपर वाइंडिंग लेते हैं अपन यूज, जो आप प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर देखेंगे तो उसमें आपको नजर आ जाएगा कि वहां पे वाइंडिंग जो होती है वो थिक वायर की क्यों होती है। हिस्टीरेसिस लॉस मतलब मैग्नेटाइजेशन का साइकिल के कारण हिस्टीरेसिस लॉस, हमने आपको एक्चुअली चैप्टर में 5 में था, डिटेल से नहीं बताया। हिस्टीरेसिस मतलब आप यूं मान लीजिए कि कोई भी मैग्नेटिक मटीरियल पे मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की साइकिल चलते हैं, तो उस साइकिल के कारण जो एनर्जी लॉस होता है उसे हिस्टीरेसिस लॉस कहते हैं। और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो सॉफ्ट आयरन होता है उसका हिस्टीरेसिस लॉस कम होता है, सबसे बहुत मिनिमम होता है। इसीलिए ट्रांसफार्मर की जो कोर है उसको बनाने में सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, यदि ऐसा क्वेश्चन आपके आ जाए व्हाई द सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड टू मेक द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का कोर बनाने में सॉफ्ट आयरन का यूज क्यों करते हैं, तो आपका एकदम आंसर होना चाहिए परफेक्ट आंसर दैट टू मिनिमाइज द हिस्टीरेसिस लॉस। सॉफ्ट आयरन के लिए हिस्टीरेसिस लॉस क्या होता है, वो मिनिमाइज होता है, कम होता है। ठीक है बच्चों, एक बताया गया एडी करंट लॉस, ये मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 6 में ईएमआई में कि एडी करंट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रोसेस के कारण उसके क्लोज पाथ में कुछ करंट डेवलप हो जाती है और ये करंट क्या करती है, हीट डेवलप करती है। तो एडी करंट के लिए क्या करना चाहिए, लेमिनेटेड ट्रांसफार्मर कोर, हमने उस टाइम बताया था ट्रांसफार्मर का जो सॉफ्ट आयरन का कोर है उसको लेमिनेट करना चाहिए, मतलब उसको थिन शीट्स के फॉर्म में अरेंज करना चाहिए एक दूसरे से इंसुलेट करके, एक पूरा कंटिन्यूअस आपको कोर नहीं लेके उसको पतली पतली शीट्स को अटैच करके कोर बनाना चाहिए आयरन की शीट्स को इंसुलेटेड जोड़ के। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या बोले जा रहा हूँ, तो समझ में आ रही है, ठीक है, नहीं आ रही है देन यू कैन आस्क, यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड यू और यू कैन राइट इन योर चैट बॉक्स आल्सो। और एक बताया गया मैग्नेटिक फ्लक्स, अपन ने ये माना है कि म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है यहाँ पे, यानी ट्रांसफार्मर में दो कॉयल्स है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो प्राइमरी कॉयल का मैग्नेटिक फ्लक्स पूरा पूरा सेकेंडरी कॉयल से पास हो रहा है, तभी तो अपन ने वहां पे ईएस में क्या लिख दिया था, d∅dt लिख दिया था कल, d∅dt इज द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन प्राइमरी कॉयल, बट सेम वी रोट फॉर द सेकेंडरी कॉयल आल्सो बिकॉज वी वर अज्यूमिंग दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ फर्स्ट कॉयल इज कंप्लीटली पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकेंड, सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉयल, सो देर इज नो लॉस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं होता है, ये तो प्रैक्टिकली होता है बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं होता है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपकी क्या हो जाती है स्पेस में लॉस हो जाती है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, कॉइल्स को टाइटली कपल्ड करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड का लॉस कम से कम हो। तो ये कई बार एग्जाम में 1 और 2 मार्क्स में आ जाता है, तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में कई बार आ जाता है। एडी करंट वाला समझ में नहीं आया तो चिदेश शर्मा आई थिंक आप 6 चैप्टर के एडी करंट्स में एब्सेंट रहे होंगे बेटा, इसलिए नहीं आया होगा, ठीक है ना। यदि आप लोगों ने 6 चैप्टर में एडी करंट वाला लेक्चर मेरा पढ़ा है तो आपको समझ में आना चाहिए, मेरा ये मानना है। एडी करंट्स जो होती है वो इंड्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फिनोमिना में जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाने से इंड्यूस करंट डेवलप होती है, और वो इंड्यूस करंट जब किसी क्लोज बंद कंडक्टर में डेवलप होती है तो उसको अपन एडी करंट बोलते हैं। पहली बात तो एडी करंट क्या होती है समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको डाउट आ रहा था उसका मतलब आपको एडी करंट का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो पहले तो एडी करंट समझिए। एडी करंट्स आर द बेसिकली इंड्यूस करंट प्रोड्यूस्ड इन एनी क्लोज्ड कंडक्टर ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, अब ये क्लोज कंडक्टर में जो एडी करंट्स होती है ये हीट डेवलप करेगी I²RT, तो उस हीट को बोलते हैं एडी करंट लॉस। लॉस का मतलब हीट लॉस है, यहाँ पे कॉपर लॉस हो चाहे हिस्टेरेसिस लॉस हो, अल्टीमेटली हीट लॉस हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो उस एडी करंट के कारण होने वाले हीट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए अपन क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर की जो कोर है सॉफ्ट आयरन की उसको लेमिनेटेड करते हैं। लेमिनेटेड मतलब आपने कभी ट्रांसफार्मर देखा हो, नहीं देखा हो दुकान पे जाके देख लेना, कोई भी इलेक्ट्रिशियन दिखा देगा आपको
पुराना ट्रांसफार्मर पड़ा होगा उसके पास, तो उसको आप देखना गौर से, उसमें आपको जो कोर कोर मतलब जो बेस होता है ना चौकोर टाइप का, उसपे बेसिकली वाउंड कॉयल आपकी वाउंड होती है, तो वो जो बेस होता है उसको कोर बोलते हैं। वो पतली पतली शीट्स के रूप में कनेक्टेड होते हैं, मतलब आयरन का जो फ्रेम होते हैं, सॉफ्ट आयरन की जो कॉयल होती है उसको थिन शीट्स को एक दूसरे के साथ इंसुलेटिंग मटेरियल लगा के अटैच किया जाता है, दैट इज कॉल्ड लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। ऐसा करने से क्या होता है, एडीकरण का इफेक्ट क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि वो क्लोज कंडक्टर के फॉर्म में नहीं रह पाता। ठीक है, तो एडी करंट का इफेक्ट मिनिमाइज करने के लिए अपन क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन सॉरी लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। लेमिनेटेड बताने का रीजन है, और सॉफ्ट आयरन का क्यों करते हैं उसके लिए बताएंगे हिस्टेरेसिस लॉस। कॉपर लॉस कैसे कम कर सकते हैं, वाइंडिंग्स का जो वायर है कॉपर वाइंडिंग कॉयल का जो वाइंडिंग्स अपन बना रहे हैं दैट इज मोर थिक, ज्यादा थिक ले लेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। और एक बताया मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस, आई थिंक इट इज क्लियर। तो ये हमारा बेसिकली ट्रांसफार्मर हो गया है कंप्लीट, और ट्रांसफार्मर के साथ ही चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। मैंने इस चैप्टर में आपको आरएल सर्किट नहीं कराया है बच्चों, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, इससे पहले कि आप मुझे बाद में बोले मैसेज करके, मैं पहले आपको बता देता हूँ आरएल सर्किट हमने छोड़ा है। आरएल सर्किट हमारे कोर्स में नहीं है, और वो मेंस वगैरह में भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आता नहीं है, फिर भी मैं कभी हमें समय मिलेगा तो बता दूंगा। लेकिन मेन मेन बाकी सारे टॉपिक इवन मैंने जो डिलीटेड थे वो भी आपको थोड़े टच करा, टच इन द सेंस मैंने आपको थोड़ा इनको इंट्रोड्यूस करा दिया है, जैसे वॉटलेस करंट को बता दिया है थोड़ा, ठीक है ना, और पावर फैक्टर के बारे में, दो ही टॉपिक इसमें डिलीटेड थे, पावर वॉटलेस करंट एंड वॉटलेस वॉटलेस करंट एंड पावर फैक्टर, बाकी सब टॉपिक वही थे लास्ट ईयर वाले हैं। मतलब इस चैप्टर में सिर्फ दो टॉपिक डिलीट किए हैं, वॉटलेस करंट एंड पावर फैक्टर, वो भी मैंने कल बता दिया आपको कि केवल बेवकूफ बनाने का काम है। पावर फैक्टर तो आपको बताना ही पड़ेगा, जब आप पावर का डेरिवेशन कर रहे हैं तो पावर फैक्टर तो ऑटोमेटिकली उसमें वो बताना ही है कि दिस इज कॉस थीटा इज पावर फैक्टर। और वॉटलेस करंट थोड़ा आप मान सकते हैं वो, लेकिन इतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक था भी नहीं, ठीक है, फिर भी मैंने उसको बता दिया है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, और हम इस चैप्टर सर पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन बच्चे बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 31B एंड क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सैंपल पेपर मैंने दिया था बच्चों आपको, एक्चुअली सैंपल पेपर मैंने नहीं दिया था लेकिन वो प्रिंसिपल सर की तरफ से था, तो वो आपको मानना है बिल्कुल। मैंने उसके बारे में बोला भी था कि प्रिंसिपल सर ने 2-3 दिन बाद, मेरा ये कहना है कि जो भी काम सर ने दिया था वो आपको सिंसियरली करना है। एक्चुअली मैंने इनिशियली तो आपको चैप्टर नंबर 5 एंड 4, 5, 6 के एग्जाम्पल और एनसीईआरटी क्वेश्चंस दिए थे, लेकिन फिर 2-3 बार सर ने आपके ग्रुप में सैंपल पेपर डाले थे और सर ने बोला था कि आपको उसको भी करना है, और बाद में फिर हमको उसको चेक भी करने को बोला गया है। तो डेफिनेटली यू हैव टू अपलोड द सैम्पल पेपर्स क्वेश्चंस, जो टॉपिक हो चुके हैं उनके कर लो एक बार। मैंने मैसेज भी डाला था गूगल क्लासरूम पे कि जो चैप्टर्स हो चुके हैं उनके रिलेटेड सैम्पल पेपर में, कोई सैम्पल पेपर पूरे सिलेबस का है, सैम्पल पेपर जो आया है पूरे सिलेबस का है, मतलब उस पर अभी कुछ चैप्टर हमारे बचे हैं सेकेंड बुक के, फर्स्ट बुक ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। आज एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोटा सा चैप्टर है वो बचता है, बट ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं, एक दिन का चैप्टर है वो, बाकी सेकेंड बुक में भी हमारा बच रहा है काफ़ी कुछ, क्योंकि उस पर रे ऑप्टिक्स ही हमने कंप्लीट किया है अभी तक केवल, बाकी हमारा बच रहा है। तो मैंने आपको बोला था कि आप वो सेकेंड बुक के चैप्टर्स के क्वेश्चन बाद में करेंगे जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बाकी फर्स्ट बुक के जो चैप्टर्स के क्वेश्चन है आप उनको करिए। तो उसमें मुझे बहुत खुशी है कि कुछ बच्चों ने डाउट पूछे हैं, डाउट पूछने का मतलब है कि आप लोगों ने किया है, इफ यू आर आस्किंग डाउट देन यू हैव डन समथिंग। तो उसमें देखो एक क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं कि 31 का बी पार्ट, उसमें कुछ प्लेट्स दे रखी है इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, सपोज मान लो ये कोई प्लेट्स हैं, 3-4 प्लेट्स रखी गई हैं, जिसका सपोज मान लो 2 सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, ये माइनस सिग्मा हो गया, ये +3 सिग्मा ले लिया। अब वैल्यूज मान लो डिफरेंट हो सकती है, आप पेपर से मिला लेना, मैं को पेपर अभी मेरे सामने मोबाइल में है, वैसे पहले मैं जनरल आपको बेहतर बताना चाह रहा हूँ। तो वो किसी भी पॉइंट पे क्या पूछ सकता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है, यहाँ पूछ सकता है, यहाँ पूछ सकता है, यहाँ पूछ सकता है, यहाँ पूछ सकता है, कहीं पे भी वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवा सकता है, करेक्ट। अब जैसे मान लो अपन इनको नाम दे देते हैं ABC, तो यहां पे सपोज इसको अपन बोल देते हैं PQRS।
अब आपको पी क्यू आर एस किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवा सकता है, चाहे पी पे निकलवा सकता है, क्यू पे निकलवा सकता है, आर पे निकलवा सकता है और एस पे निकलवा सकता है। तो जैसे अपन पी की बात करते हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं 31, उसमें मेनली पहले इधर लेफ्ट और इधर का राइट पी और एस की बात की गई है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो स्टूडेंट पहले बात तो कंसेप्ट याद रखिए, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज हमारा गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन था, और किसी भी इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग लेक्चर, आप मेरे देखेंगे कि यदि पॉजिटिव चार्ज है तो उससे दूर की तरफ और नेगेटिव चार्ज है तो उसकी तरफ। आई थिंक इट इज क्लियर। यदि पॉजिटिव चार्ज की लेयर है तो उससे अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव चार्ज की लेयर है तो टूवर्ड्स द चार्ज। आई थिंक इट इज क्लियर। तो बच्चों यहां पर 2 सिग्मा ए प्लेट पे प्लस 2 सिग्मा चार्ज की लेयर है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे किधर हो जाएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो ई ए इधर आ जाएगा। ठीक है, ई ए मतलब ए का। अब इसका देखो, तो इसका देखेंगे तो इसको नहीं मानेंगे, इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था कि किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बीच में रखे किसी अनदर चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट नहीं करता है। तो यहां पे इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज जो माइनस सिग्मा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द चार्ज, इसको प्रेजेंस को आप नेग्लिजिबल मान लो। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं बी का, तो ए की प्रेजेंस को आप अपने भूल जाओ, बोले ए की प्रेजेंस को आप छोड़ दो, ए प्रेजेंट भी है, तो ई बी इधर आ जाएगा टूवर्ड्स द चार्ज। अब सी प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा पी पर, इस पे अगेन प्लस थ्री प्लस सी प्लस है, तो प्लस है, तो अगेन ई सी किधर हो जाएगा, इधर। तब आप देख सकते हैं कि ई ए और ई सी ये अवे फ्रॉम द चार्ज वाला, इसका देखेंगे तो इन दोनों की प्रेजेंस को आप मन में नेगलेटिबल मान लो, मतलब एट ए टाइम जिस शीट का आप इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं उसी के ही देखेंगे अवे और टूवर्ड्स, बाकी अदर टू शीट को आप मन में नेगलेजिबल मान सकते हैं। अब आप निकाल लो, अब आप देख रहे हो ई ए और ई सी एक ही डायरेक्शन में है और ई बी अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे हो जाएगा ई ए प्लस ई सी माइनस ई बी, एक अपोजिट डायरेक्शन में था तो उसको मैंने माइनस कर दिया। अब फॉर्मूले लगा दो सिग्मा अपॉन, तो ये हो जाएगा ई ए पे 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आप देख लो आपका आंसर तैयार है। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, क्या बचेगा 2 प्लस 3 माइनस 1 यानी 4, 5 माइनस 1 4, 2 2 जा 4, तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ओनली। ठीक है, सही है ना मेरा आंसर, यस। और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स लेफ्ट होगा, सॉरी मेरा वाला लेफ्ट, मैं ऐसे खड़ा हूँ ये लेफ्ट हो गया, नेट इलेक्ट्रिक किधर जाएगा, इधर जाएगा ना, टूवर्ड्स लेफ्ट बोल देंगे इसको, लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट प्लेट भी कह सकते हैं आप। ठीक है, ये है, बताइए क्या सा डाउट समझ में आ गया, जिन्हीं बच्चों को डाउट था आई थिंक देयर डाउट इज क्लियर। इसी तरह से एस पे निकाल लो, कहीं पे भी निकाल लो ना जहां इच्छा हो, आर पे निकाल लो, क्यू पे निकाल लो, बस अलग अलग शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो, चाहो तो क्यू पे निकाल लो, एस पे देखोगे तो अब इसका देखोगे पहले इधर, फिर इसका देखोगे इधर, फिर इसका देखोगे इधर, कर लो सोल्व। ठीक है, इसमें ये तो थोड़ा इजी क्वेश्चन है, इसमें कॉम्पिटिटिव लगा बनता है, वो मैं भी थोड़ा ढंग से याद नहीं आ रहा है, वो एस सी वर्मा में है, उसमें क्या दे रखा होता है कि कई सारी प्लेटें दे रखी है और सब पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होता है, वो वाला क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा आपको, इसी से रिलेटेड है, वो थोड़ा सा हाई लेवल का बन जाता है, कॉम्पिटिटिव लेवल का बन जाता है, थोड़ा जेई मेन्स एडवांस लेवल का बन जाता है, वो देखना एस सी वर्मा में लास्ट एग्जाम्पल है वो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का गॉस थ्योरम वाला चैप्टर है, तो उसमें भी वो थोड़ा, ये तो बहुत सिंपल पैटर्न का है, तो ये एक शीट वाला क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक है, एक रीजन एसिलेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। रीजन एसिलेशन आपके केमिस्ट्री में तो आते रहे हैं, 2-3 साल से आ ही रहे, नहीं फिजिक्स में इस बार इंट्रोड्यूस किए गए हैं, फिजिक्स में रीजन एसिलेशन वाले क्वेश्चन जेई एडवांस में और जो नीट के पेपर में ही आते थे,
जो बायोलॉजी वालों के नीट होता है उनके ही आते थे, लेकिन अब से बोर्ड में भी, जेई में बोर्ड में भी रीजन एसिलेशन, ठीक है? नहीं, यू आर टॉकिंग क्वेश्चन नंबर 3 ना वर्षा? क्वेश्चन नंबर 3 रीजन एसिलेशन का ही है जहां तक मेरा आइडिया है। मैं वापस से एक बार सैंपल पेपर ओपन कर लेता हूँ, सो दैट आप क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहे हैं कि 11 पूछ रहे हैं, पहले ये बताइए। अभी एक क्वेश्चन नंबर 3 की बात आई थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 की बात आई है। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ। यस, तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे हिसाब से रीजन एसोसिएशन का ही है। लेट अस कंफर्म फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 रीजन एसोसिएशन नहीं है। ओके okay, वो 11 है। ओके 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 आई एम सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 रीजन एसोसिएशन नहीं है। मैं कहा दूसरा क्वेश्चन देख लिया कोई। रीजन एसोसिएशन का जो क्वेश्चन है वो, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड का है। यस, इन इलेक्ट्रॉन विद इलेक्ट्रिक चार्ज माइनस ई एंड एम ट्रेवल्स विद स्पीड इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी। इलेक्ट्रॉन फॉलोज द सर्कुलर पाथ इन रेडियस आर इन ए टाइम टी। द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स हाफ वे अराउंड द सर्किल। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड? जीरो। वर्क डन इज जीरो भैया, वर्क डन मैग्नेटिक फील्ड क्या, वर्क डन जीरो होता है। सीधी सीधी बात है, इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो उसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमेशा किधर काम करता है, सेंटर की तरफ काम करता है। अब वो चाहे कंप्लीट सर्किल में जाए या हाफ सर्किल में जाए, सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स ही कहाँ से मिलता है, मैग्नेटिक फोर्स से मिलता है। तो इसका जो मैग्नेटिक फोर्स QV भी है, sin 91 हो जाएगा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, दिखा हुआ है। और अब वो कहीं भी जा रहा है तो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो इस पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे देख लो आप, यहाँ पे देख लो, तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दी, θ 90 बन गया। यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये फोर्स आप किसी पॉइंट पे देख लो, उसका फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, चाहे वो हाफ वे जाए चाहे वो फुल वे जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण किया गया, मैग्नेटिक फोर्स के कारण जब वर्क डन किया जाता है तो वहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं सर्कुलर पाथ में। तो सर्कुलर पाथ में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होने के कारण नेट वर्क डन क्या होता है, जीरो हो जाता है। आई थिंक इट इज क्लियर। तो दो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आई थी, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 31B पार्ट। और भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट, आई एम ऑलवेज रेडी टू गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। कई बार कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि वो मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ कई बार उन क्वेश्चंस को, लेकिन मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि विद इन मिनिमम टाइम आई कैन टेल यू द मैक्सिमम क्वेश्चन। एक रीजन एसोसिएशन का क्वेश्चन और है शायद, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। एक शेल है उसके सरफेस पे पोटेंशियल 100 वोल्ट है, उसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो कितना है, 100 वोल्ट है, और 100 वोल्ट उसकी सरफेस पे पोटेंशियल। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल इज जीरो एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस, सॉरी सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द सरफेस इज 100 वोल्ट, मतलब सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 100 वोल्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ये दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द शेल, और सेकेंड स्टेटमेंट में लिख रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द शेल इज 100 वोल्ट। इज इट राइट? यही है ना, एम आई सेइंग राइट? यस। तो उसमें फिर चार बात वो कर रहा है रीजन एसोसिएशन की, S1 इज करेक्ट, S2 इज करेक्ट। तो देखो ये बात तो दोनों ही बात क्लियर है कि S1 भी करेक्ट है और S2 भी करेक्ट है, कि एक कंडक्टर या स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस के बराबर होता है। ये बात आपको जब हमने चैप्टर पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया हो या VP सर ने पढ़ाया हो, किसी ने भी पढ़ाया हो, लेकिन जिसने भी पढ़ाया था आपको ये बात जरूर बताई होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल इज जीरो बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू द सरफेस वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो भी है और पोटेंशियल सरफेस के बराबर है। लेकिन अब बात यह है कि S2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ S1। मेन बात अटकती है यहाँ पे आके, कि क्या जो सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट। बिल्कुल,
और या दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे दो बातें फंसती है कि भाई दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये तो बात सही है, लेकिन उसमें भी दो ऑप्शन अगेन दिए हुए हैं कि वेदर द सेकेंड स्टेटमेंट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट और बोथ नॉट एक्सप्लेनेशन, या दोनों इंडिपेंडेंट है अपने आप में। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा बच्चों ई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर पे। अब आप यहां से देख सकते हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि ई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर से यदि अपन ई को जीरो बोल देते हैं तो वी कॉन्स्टेंट आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यदि ई जीरो है तो वी कॉन्स्टेंट आ रहा है, यानी सेकेंड स्टेटमेंट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है। सेकेंड इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, कि ई जीरो है तभी तो वी कॉन्स्टेंट आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनना चाहिए मेरे हिसाब से वो बनेगा बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड द रीजन इज, हाँ वो क्या दे रखा है, ए दे रखा है, इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। आई थिंक इट इज क्लियर। अब उसमें इंडिपेंडेंट का, तो इंडिपेंडेंट जैसे आप कैसे कह सकते थे कि इंडिपेंडेंट कि जैसे मान लो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है, और एक स्टेटमेंट दे देता द रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशन, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है बट बोथ आर इंडिपेंडेंट ईच अदर। भाई एक में वो बात कर रहा है टेम्परेचर डिपेंडेंस और रेजिस्टेंस की, एक में बोल रहा है रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशन, तो बोथ द सेंटेंस आर करेक्ट बट दे आर इंडिपेंडेंट ईच अदर, इस तरह से फिर पता लगाया जाता है। तो वो एक्सप्लेनेशन है उनमें, वो रिलेशन, इसके लिए आप देखिए उन दोनों क्वांटिटीज, उनमें जो क्वांटिटीज की बात की गई है उनको वो किसी रिलेशन से अपन वो रिलेट कर सकते हैं क्या, यदि रिलेट कर सकते हैं तो फिर उसमें एक्सप्लेनेशन वाला सही माना जाएगा, ठीक है। और यदि उन दोनों स्टेटमेंट के सही है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, लेकिन उनमें कोई मतलब कोई कनेक्टिविटी नहीं है उन दोनों स्टेटमेंट्स में, तो वी विल से दैट वी आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर। आई थिंक इट इज क्लियर। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारी घड़ी हमको इशारा कर रही है कि क्लास खत्म की जाए। मैं इससे पहले कि क्लास खत्म करूं मैं वापस से एक बार आज के एब्सेंटीज बच्चे बोल देता हूं ताकि किसी गलत बच्चे के एब्सेंट ना लग जाए, जो बच्चा प्रेजेंट है उसके एब्सेंट ना लग जाए, क्योंकि दिस एब्सेंटीज विल बी टेकन वेरी सीरियसली, ठीक है, आप लोग ये ना समझें, ठीक है। एक जैसे आस्था गोटी इज एब्सेंट थ्रू आउट द क्लास टूडे, आस्था गोटी आर यू देयर, no, then Divyanshi and Priyanshi, both the sisters, twin sisters are absent today, Divyanshi and Priyanshi are you there, no, then Manisha Veerwal, Monish Ahir and Navneet Yadav, all the three are absent, and then Shefali Gupta, Shefali Gupta is not present, okay, and Utkarsh Goyal, ठीक है, तो ये बच्चे absent रहे आज की क्लास में, they are not present even now। सो स्टूडेंट्स एसी वाला चैप्टर कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चैप्टर में काफी उसको कट शॉर्ट कर दिया गया है, आई विल टेल यू। उसमें केवल आपको एक टॉपिक करना है, प्रॉपर्टीज एंड स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो पूरा लर्न करना है उसमें। उसमें कुछ भी आपको ज्यादा समझने का नहीं है या कोई कंसेप्ट नहीं है, मेनली उसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है वो थोड़ा मैं एक क्लास का आइडिया दे देंगे, और उसके बाद हम फिर रिमेनिंग हमारा जो सेकेंड बुक है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो वी आर एक्सपेक्टिंग टू कंप्लीट द सिलेबस बाय 15th ऑफ जनवरी, ओके, तो लेट अस वेट, विल ट्राई टू कंप्लीट द सिलेबस एज अर्ली एज पॉसिबल, ओके। सो थैंक यू ऑल विद दिस, ओके, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर ऑफ ऑल यू, टेक केयर अबाउट यू।